नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है एक अलग प्रेडिक्शन के बारे में। क्या हमेशा कर्क लग्न श्रापित है लग्न जीवन के लिए? आज का चर्चा का विषय यह रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली देखते ही मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर चौंक जाते हैं। जो कोई जातक थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हैं ये भी लोग घबरा जाते हैं कि कर्क लग्न वाली कुंडली है तो मैरिज में प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्या हमेशा ऐसा होता है? इसके बारे में जानते हैं कि कर्क लग्न में कौन सा पार्ट है, वो कौन से कितनी डिग्री का जो पार्ट है वो दोषकारक है मैरिज लाइफ के लिए, और ऐसा क्यों है दोषकारक, इसके बारे में चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि कर्क राशि कैसे बनती है। कर्क राशि जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र के चार चरण और आश्लेषा नक्षत्र के चार चरण, ऐसे मिला के कर्क राशि बनती है। और कर्क राशि में जो पुष्य नक्षत्र की जो शुरुआत होती है ये 3:25 से शुरू होता है, और ये पुष्य नक्षत्र जो ख़त्म होता है 16:35 को, तो अप्रोक्सीमेटली 13 का जो पीरियड है ये पुष्य नक्षत्र का रहेगा। अब कोई भी जातक का जन्म कर्क लग्न के अंदर हुआ है और पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न है यह तो आश्लेषा नक्षत्र का लग्न है, तो मैरिज लाइफ में इतना दोषकारक नहीं है। हमेशा कर्क लग्न मैरिज लाइफ के लिए दोषकारक होता है ऐसा नहीं है। ओनली पुष्य नक्षत्र का लग्न है तो ही दोषकारक है, और जिसका डिग्री रहेगा 3 से लेकर 16 तक कर्क राशि का जो पुष्य नक्षत्र का लग्न होगा तो ही मैरिज लाइफ के लिए दोषित रहेगा। अब ये तो बता दिया, लेकिन दोषित क्यों? पुष्य नक्षत्र का लग्न दोषित क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र के जो मालिक हैं ये शनि हैं, और शनि बहुत रिजिड ग्रह हैं। शनि बहुत सत्य के ऊपर काम करने वाले हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले हैं, इधर उधर की कोई बात उनको पसंद नहीं है। तो क्या है कि रिजिड मेंटालिटी बना देते हैं, ऐसे जातक की जो मेंटालिटी है बहुत रिजिड बना देते हैं। तो जिसके अंदर क्या है कि वो अपने आप के अंदर या तो सामने वाले कैरेक्टर की ओर जो उसकी एक्सेप्टेशन होती है उसके अंदर वो कोई बांछोड़ करने की वो नहीं रखते हैं पॉसिबिलिटी। तो उसको जो चाहिए ऐसा ही चाहिए, उस वो खुद के अंदर भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, और वो सामने वाले कैरेक्टर की ओर से भी इतना अपेक्षा रखेंगे कि वो फिर आगे जाके क्या है कि वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो कर्क राशि में खास करके कर्क लग्न के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न है या तो आश्लेषा का लग्न है तो इतना दोषकारक नहीं है, लेकिन पुष्य नक्षत्र का लग्न है तो दोषकारक बन सकता है। कुंडली में बाकी ग्रहों की भी स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है, और मैच मेकिंग तो इतना डिटेल मतलब सब्जेक्ट है कि खाली गुण देखने से कुंडली मिल जाती है ऐसा नहीं होता है। 1:1 ग्रह मिलाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बहुत कम मैचिंग करने वाले लोग हैं कि 1:1 ग्रह मिलाते हैं, सूर्य सूर्य, चंद्र चंद्र, मंगल मंगल, बुध बुध, गुरु गुरु, शुक्र शुक्र, शनि शनि, राहु राहु, केतु तक के ग्रह मिलाते हैं, ऐसे मैचिंग करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो यदि आप कुछ प्रॉब्लम से समस्या से आप यदि आपकी कोई भी समस्या है, यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ फेसबुक एवं व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले और ऐसे ही नई नई वीडियो से आप परिचित हो सकें।